हम इंसान भले ही आज अंतरिक्ष की सैर करते हों, खुद को विकसित और सभ्य कहते हों, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी इस बात को सच साबित करती है ये तस्वीर, जो मॉडर्न सोसाइटी और सिविलाइजेशन पर एक जोरदार तमाचा है। ये तस्वीर है झारखंड की। झारखंड में रांची के रिम्स अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती एक महिला मरीज को फर्श पर खाना परोसा गया, ठीक वैसे ही जैसे किसी कुत्ते को खाना खिलाया जाता है। बल्कि आज के जमाने में कई कुत्तों की जिंदगी भी इनसे लाख गुना बेहतर होती है। ये तस्वीर है झारखंड के रिम्स अस्पताल की, जहां का सालाना बजट ही 300 करोड़ का है, लेकिन जहां मरीज को खाना खिलाते वक्त उससे कुत्ते की तरह बर्ताव किया जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए आई इस महिला के पास अपनी थाली नहीं थी। थाली नहीं होने की वजह से खाना बांटने वाले रिम्स के कर्मचारी ने महिला को कॉरिडोर के फर्श पर ही चावल दाल और सब्जी परोस दिए। और गुर्बती और लाचारी का कमाल देखिए, अस्पताल को देवालय मानने वाली इस महिला ने बिना किसी विरोध के उस खाने को खाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक बीजेपी नेता की नजर जब उस महिला पर पड़ी तो उन्होंने उस महिला से बातचीत की। पूछने पर महिला मरीज ने बताया कि उसके पास थाली नहीं है। इसके बाद बीजेपी नेता ने अस्पताल के मेस की यूनिट में मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाली बताया और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। ये तस्वीर जब सरकार के सामने पहुंची तो सरकार ने ऐसी हरकत करने वाले कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। इस महिला का चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद हमारे तथा कथित सभ्य समाज का असली चेहरा आपको दिखाना है। जब तक हमारे देश में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी तस्वीरें दिखती रहेंगी, कम से कम तब तक हम खुद को विकसित नहीं कह सकते। NMF न्यूज की रिपोर्ट।